ये है दोस्तों, ये दिखेगा आपको, ये देखिए, ये इस तरीके से ये ऊपर से पानी आता है और वो नीचे घर के फितौल पर टकराता है, तो फितौल घूमता है, तो तब वो पत्थर, जो मोटा पत्थर होता है वो घूमता है, उसके अंदर गेहूं के दाने आते हैं और पिसाई उसी से शुरू होती है। तो इस तरीके से ये पहाड़ के घराट है, पहाड़ की पंचक्की हैं, आज भी ये जीवित हैं और बहुत कम लोगों के पास अभी घराट रह गए हैं। इस क्षेत्र में एक दो घराटे हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये अभी जीवित अवस्था में है। तो ये है अपना पहाड़ का पिसाई का तरीका, और ऐसे ही हमारे पहाड़ में जो है आटा पिसा जाता है। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम एक अपना नई सुबह की नई शुरुआत और नए ब्लॉग के साथ। तो आज आपको ले चलेंगे, आज दिखाएंगे कि आज जो हमारा परंपरागत तरीके से जो हमारी पिसाई होती थी, वो पिसाई कैसे होती है, किस में होती है, वो तमाम चीज़ पहाड़ की जो पंचक्की है, घाट है, उस घाट के बारे में आज आपको हम बताने जा रहे हैं। और हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, नमस्ते उत्तराखंड, पहला प्रणाम, आई होप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और आपको आज दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारे पहाड़ में जो आटा पिसाई का काम होता था, किस तरीके से होता था, वो ये तमाम चीज़ें आज इस ब्लॉग के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी कि नदी के किनारे पर घाट हुआ करते हैं और नदी के किनारे किनारे से पानी का बांध आता है ऐसे घाट के पीछे, और वो उसमें एक लकड़ी का फितौड़ा होता है और नीचे लकड़ी का फितौड़ा गोल वाला होता है, उसमें 18-20 वो लगे रहते हैं, फांक लगे रहते हैं, पंखे लगे रहते हैं, ऊपर से एक नहर आती है और नहर के नीचे लकड़ी का एक नहर टाइप का बना होता है, उससे पानी स्पीड से फितौड़ में आता है, तो फितौड़ घूमता है ज़ोर से, तो उसके ऊपर एक डोका होता है, डोके में गेहूं होता है, उसकी दो चार बूंदें करके वो पत्थर पर टकराती है, तो पत्थर पर टकरा के तब आटा तैयार होता है। तो इस तरीके से पहाड़ में आटा तैयार होता है, ये हमारा परंपरागत तरीका है, और आज ये बहुत कम लोगों के पास ये घराट है। इस क्षेत्र, इतना बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लगभग एक दो घराट है, ज़्यादा नहीं है। तो ये है पहाड़ की असली स्थिति। ये है दोस्तों घराट का पूरा बाहर का हिस्सा, बताए दिखाएंगे आपको, पूरा पत्थरों का है और ऊपर छत में जो है, जो पुराने हमारे पत्थर हुआ करते हैं जिनसे छत ढका जाता है, उस टाइप के पत्थर भी छत में है। और ये पूरा ये दिखाएंगे आपको, ये वाला भाग भी देखिए आप, घराट का ये अंदर वाला हिस्सा भी आपको इसमें दिखेगा। ये इस तरीके से घराट ये चलता है, ये है घराट वाला भाग आपको दिखाएंगे, ये इतने स्पीड से ये भागता है, ये दोस्तों घराट। पहाड़ों पर जो चक्की हुआ करती थी एक ज़माने में, एक बहुत अरसा बीत गया है, तो वो बहुत पुराना ट्रेंड था, वो भी अभी कुछ जगह पर चल रहा है। ये है देवनई में एक जगह, गुरगुटिया के नीचे एक टिंटुली है, टिंटुली के पास यहाँ पर एक घराट है। इस घराट को दिखाने का मकसद ही हमारा ये है कि इससे हमें पता चले कि हम किस तरीके से पहले अपना जीवन बिताते थे, किस तरीके से हम जो है कुछ जला हुआ आटा भी नहीं खाते थे, ये तमाम जो पानी से ही जो आटा पीसा जाता था, उस तरीके से आटे का हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते थे। तो ये है तमाम पहाड़ की जो धरोहर है, पहाड़ की जो संस्कृति है, जो पहाड़ का कल्चर है, जो पहाड़ का किस तरीके से पहाड़ में हम लोग अपना जीवन बिताते हैं, किस तरीके से चीज़ों को हम यूज करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें आपको इस ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ एक बहुत ही सुंदर जगह, ये है गुरगुटिया और कालीगाड़ नदी का संगम है। इस संगम के तट पर यहाँ पर एक पंचक्की आपको मिलेगी जो पानी से चलती है, ऐसा ये घराट हम इसको बोलते हैं, कुमाऊनी में हमारा घट है ये। और ये घराट देखिए आटा किस तरीके से पिसता है, ये आपको दिखेगा कि एक लकड़ी का डोका होता है ऊपर से, और उस डोके में जो है गेहूं डाला जाता है, और गेहूं धीरे धीरे करके उसके नीचे जो पाथर लगा है उसमें पाथर घूमता है, नीचे पानी, पीछे से पानी आता है बह के स्पीड से इसके फितौड़ में, और फितौड़ घूमता है, ऊपर पाथर घूमता है, पाथर में नीचे लकड़ी के गुटके लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से
पहाड़ का ये घाट है, ये सन 1935 में इसका निर्माण हुआ। बताते हैं कि श्री गंगादत्त जी जो इसके ओनर है, उनका ये घाट है, उन्होंने जो है इस घाट की नींव रखी थी। और हमारे पहाड़ों में जो भी शादी विवाह से लेकर घर का रोज़मर्रा का जो भी राशन का काम होता था, जो भी खाने का आटा का जो काम होता था, इसी घाट में पीसा जाता था पहले से। और ये घराट अभी पहाड़ों में आपको बहुत कम मिलेंगे, लगभग बहुत कम। ये इस घाटी में पहले लगातार घराटी हुआ करते थे, अब लगभग आपको एक दो घराटी चालू मिलेंगे। और घराट लगभग अब ख़त्म की स्थिति में है। तो इस तरीके से ये कम से कम शाम तक 40-50 किलो आटा निकालता है। और ये पानी से चलता है ये घाट। ये देखिए, आपको हम दिखाएंगे पहाड़ का जो है असली रूप, जो चक्की जिसने आज चक्की का रूप धारण किया है, चक्की। और इसी वो चक्की का जो पहले का रूप था, ये पंचक्की घाट जिसको बोलते हैं, ये घट है। और ये यहाँ पानी के द्वारा ये चलता है। अभी आपको ले चलेंगे पीछे कैसे पानी आता है। ये है नदी, दो नदियों के बीच में, और ये घाट यहाँ पर है। और दिखाएंगे आपको पूरा यहाँ का घुरघुटिया। ये देखिए, यहाँ पीछे से पानी का है, पूरा पानी फ्लो। ये नीचे जो है, जहाँ पर ऊपर घाट घूम रहा था, उसके नीचे पानी का फ्लो इस तरीके से, ये पानी पास आउट हो रहा है। ये फितौड़ पर टकरा के तब वो फितौड़ जो वो पत्थर का फितौड़ है वो घूमता है। तो आइए आपको ले चलेंगे पीछे। ये है, देखिए ये पानी आता है। ये है आपका सुंदर, देखिए इतनी स्पीड से पानी आता है। ये पानी पूरा गरुड़ गंगा नहीं, ये अपना आता है, ये वाला गरुड़ गंगा में मिलता है ये, लेकिन ये ऊपर टोटीगाड़ वाला है, घुरघुटिया टोटीगाड़। ये सीधे पानी आता है नदी से, और ये लकड़ी का एक वो होता है फितौड़, लकड़ी का एक नाला होता है, उस नाले से पानी जाता है अंदर, पूरे फितौड़ में जाता है, वहाँ टकराता है, और उसके बाद वो फितौड़ घूमता है। तो तब ये तो गेहूँ की जो है दाने वो नीचे जाते हैं होल में, और वहाँ से जो है आटा तैयार होता है। इस तरीके से पहाड़ में ये आटा पीसने का एक पुराना जो हमारे परंपरागत तरीके हैं वो है, ये पहाड़ के घराट। अब आजकल ये विलुप्त की कगार में है, अभी आपको बहुत कम दिखाई देंगे। ये है ये घुरघुटिया नदी से पानी इस तरीके से पूरा ये नदी का भाग है, नदी के किनारे, और ये नहर है, बांध है, और इससे ये पानी जाता है ऐसे नीचे को, आपको दिखाएंगे पूरा। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से, ये पूरा घाट के नीचे से पूरा एक फितौड़ होता है, फितौड़ में ये पानी टकराता है, तो फितौड़ घूमता है, तो तब जाके उसमें जो एक पत्थर लगा होता है, बहुत मोटा पत्थर 18-20 इंच का, वो पत्थर घूमता है, उसमें फिर ऊपर से जो लकड़ी का डोका है, डोके से नीचे को वो जाते हैं गेहूं की दाने जाते हैं, और उससे तब जाके वो पत्थर के नीचे आते हैं, तो वो पीसा जाता है। तो इस तरीके से पहाड़ में आते ही नहीं, बरसों से ये कार्यक्रम चल रहा है, और ऊपर से पानी आता है और वो नीचे घर के फितौड़ पर टकराता है, तो फितौड़ घूमता है, तो तब वो पत्थर जो मोटा पत्थर होता है वो घूमता है, उसके अंदर गेहूं के दाने आते हैं, और पिसाई उसी से शुरू होती है। तो इस तरीके से ये पहाड़ के घराट है, पहाड़ की पंचक्कियाँ हैं, आज भी ये जीवित हैं, और बहुत कम लोगों के पास अभी घराट रह गए हैं। इस क्षेत्र में एक दो घराटें हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये अभी जीवित अवस्था में है। तो ये है अपना पहाड़ का पिसाई का तरीका, और ऐसे ही हमारे पहाड़ में जो है आटा पीसा जाता है। ये टोटीगाड़ नदी है, टोटीगाड़ नदी के किनारे पर ही बसाए है सुंदर घराट, आटा पीसा जाता है, जिससे बड़े बड़े कार्यक्रम, पूजा पाठ से लेकर हजारों लाखों की संख्या में इसी घराटों से पहले पीसा जाता था। तो ये घराट मैंने पूरे आपको दिखाने का प्रयास किया इस ब्लॉग के माध्यम से, दिखाते थे ये तमाम जो पानी से ही जो आटा पीसा जाता था उस तरीके से आटे का हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते थे। तो ये है तमाम पहाड़ की जो धरोहर है, पहाड़ की जो संस्कृति है, जो पहाड़ का कल्चर है, जो पहाड़ का किस तरीके से पहाड़ में हम लोग अपना जीवन बिताते हैं, किस तरीके से चीज़ों को हम यूज करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें आपको इस ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेगी।
आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्तों।